नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी शोएब अख्तर अपनी गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते थे, तो वहीं जब से उन्होंने क्रिकेट छोड़ा है तो अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच ऐसे सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला गया था। उस दौरान इंग्लैंड की तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की एक तेज बाउंसर स्मिथ की गर्दन पर जा लगी, जिससे वो गेंद लगते ही जमीन पर गिर पड़े। इस पर शोएब अख्तर ने एक ट्वीट किया था और जोफ्रा आर्चर की खिंचाई करते हुए कहा था कि जब स्मिथ को गेंद लगी तो आर्चर को उनके पास जाना था और उनका हाल पूछना था कि उनको चोट ज़्यादा तो नहीं लगी, लेकिन नहीं, आर्चर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और वो स्मिथ का हाल चाल बना लिए वापस आ गए और हल्के हंसते हुए दिखाई दिए। बस इस मामले को अख्तर ने पकड़ लिया और उस पर ट्वीट कर उनकी खिंचाई कर दी कि आप एक स्पोर्ट्समैन की तरह जाते उनके पास पूछते, क्योंकि जब अख्तर ने बताया कि मैं खेलता था और मैं किसी प्लेयर को बाउंसर मार देता था तो मैं उसके पास जाकर उसका हाल पूछता था। तो अख्तर का जो ये ट्वीट आया उसके बाद भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने अख्तर की इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उनका मजाक बना दिया और मज़ेदार अंदाज में उनका जवाब दिया। युवराज सिंह ने अख्तर के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि हाँ पाजी, जानता हूँ आप हाल पूछते थे, लेकिन आपके उन शब्दों में विनम्रता का भाव नहीं रहता था। आप हाल इसलिए पूछते थे कि आप ठीक तो हैं ना, क्योंकि आगे और बाउंसर आने वाले हैं। तो बस यही मामला था कि जिस तरीके से अख्तर की युवराज सिंह ने मज़ेदार खिंचाई कर दी। सोशल मीडिया पर भी लोग यूवी के इस कमेंट को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और अख्तर के इस बयान को बता रहे हैं कि भाई, जब आप बॉलिंग कराते थे तो हमने भी देखा कि आप कभी बल्लेबाजों पर रहम नहीं खाते थे, लेकिन बतौर खिलाड़ी अगर आपके सामने कोई बल्लेबाज या कोई खिलाड़ी घायल है तो आपका काम बनता है कि आप अपनी स्पोर्ट्समैनशिप को दिखाएं और खिलाड़ी के पास जाएं, उसका हालचाल पूछें। बहरहाल चोट कितनी गंभीर है स्मिथ की उसका पता लग गया था, क्योंकि जिस मैच में उनको चोट लगी दूसरे टेस्ट एजेस में, तो वो लॉर्ड्स के मैदान पर दोबारा फील्डिंग करने नहीं आए और आईसीसी के नए कनकशन रूल के तहत लुविस मार्नेस लबुशाने मैदान पर उतरे उनकी जगह खेलने के लिए, जिनका भी स्वागत आर्चर ने एक तेज बाउंसर के साथ किया था। जो आर्चर की गेंद स्मिथ की गर्दन पर लगी उसकी रफ्तार 148 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से थी। जितनी तेज गेंद उनके गर्दन पर लगी वो वीडियो में साफ दिखता है कि किस तरीके से वो ज़मीन पर जा गिरे। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।